महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में आयोजित एलुमिनी मीट 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व में बहुत से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो पूर्व छात्रों के सहयोग से बुलंदियां छू रहे हैं। हरियाणा में भी अब ऐसी शुरुआत हुई है और पूर्व छात्रों को अपने विश्वविद्यालय की मदद करनी चाहिए। और इस दौरान कार्यक्रम में शामिल हुए सीआईडी चीफ आलोक मित्तल ने कहा कि वो भी इस यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। साथ ही कहा कि जो गुरु दक्षिणा का कॉन्सेप्ट पुराने समय में होता था, वही कॉन्सेप्ट अब दोबारा से लागू करने का एक प्रयास किया जा रहा है। आयोजन में आके बहुत अच्छा लगा। मैंने LLB की है MDU से, जब मैं NIA में पोस्टेड था IG के तौर पे, और मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है इस यूनिवर्सिटी के साथ। और इस तरीके के आयोजन में आके एक विशेष फीलिंग होती है। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोगों ने यहाँ से पढ़ाई की है, तो गुरु दक्षिणा का भी जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोगों को ऑनर करना चाहिए, और उससे यूनिवर्सिटी को नए नए क्षेत्रों में कार्य करने में मदद मिलेगी। और मैं भी और मेरे साथ के जो और ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, हम लोग भी यहाँ के जो लॉ डिपार्टमेंट है विशेष तौर पे, और बाकी भी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके कुछ प्रोजेक्ट्स काम करेंगे।